नमस्कार, आप देख रहे हैं पत्रकार टीवी, मैं हूँ आपके साथ दिखाई। तो सत्रह दिन बाद आज मध्य प्रदेश की सियासत का क्लाइमेक्स सामने नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि 2 बजे विधानसभा का सत्र बुलाया गया, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि 12 बजे तक जो स्थिति है वो साफ हो जाए, क्योंकि सीएम कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। इससे पहले बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस कार्यालय में विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है, जिसमें कांग्रेस के सभी विधायक मौजूद है। विधायक दल की बैठक में जो आखिरी बैठक है वो खेला जा सकता है। तो एक तरह तो देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जवाब प्रोटेस्ट करा रहे हैं, इसे आज रात 5 बजे तक की नोटिस दी गई है। तो वही दूसरी तरह से देर रात के बैठकों पर ध्यान चल रहा है, जो सुबह 11 बजे से विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। सुबह से पहले जो बैठक बुलाई गई है, ताकि आखिरी नाम भिजवा रही है सीएम कमलनाथ है। विधायकों से चर्चा कर रहे हैं, कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। आगे क्या रणनीति होगी, क्या सीएम कमलनाथ 12 बजे तक कॉन्फ्रेंस का इस्तीफा देंगे, क्या सीएम प्रोटेस्ट में जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस के लिए आज इस तरह से बयानबाजी हो रही है। एक तरह से जवाब पहुंची हम दिग्विजय सिंह है, दिग्विजय सिंह से नजर आए कहा कि आज की डेट में हमारे पास बहुमत नहीं है। तो वही जनसंपर्क मंत्री पीके शर्मा का साफ तौर पर कहना था कि 105 विधायक हमारे पास है और हम बहुमत सिद्ध करेंगे। इसी तरह मंत्री शरद मनोज भी कहते नजर आए कि सीएम कमलनाथ ने अपना काम बहुत अच्छे से किया है। भारी बनकर ही करीब वो ये स्वीकार करते नजर आए कि जो स्थिति है वो बहुत कमजोर हो गई है और इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं अभी हमारे सहयोगी पवन तिवारी के साथ। पवन, सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल परीक्षण होगा या फिर इस्तीफा? समय तो ऐसा लगता है जो विधायक दल कांग्रेस विधायक दल की बैठक हो रही है, इस बैठक के बाद बहुत सारी चीजें जो है वो साफ हो जाएंगी कि मध्य प्रदेश में आगे क्या होता है। जहाँ तक संभावनाएं हैं तो नंबर एक में जो कांग्रेस के बागी विधायक है उनका इस्तीफा मंजूर होने के बाद कांग्रेस पिछड़ चुकी है, और ये तरुण भनोत ने जैसा बयान दिया उस बयान से वो चीज साफ दिख रही है कि वो अब ये मान चुके हैं कि हमारे पास जादुई नंबर नहीं है। दिग्विजय सिंह जैसा चाणक्य, जिसे कांग्रेस का चाणक्य कहते हैं, उन्होंने खुद कह दिया कि हमारे पास अब बहुमत नहीं है आज की डेट में। तो ऐसा संभावना है, ज्यादातर उम्मीद मुझे यही लग रही है कि 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद वो सीधे राजभवन जा सकते हैं और राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। और इन इस्तीफा देखने या सूर्यपेक्ष में जाते हैं, इसकी जो भूमिका है वो विधायक दल की बैठक में तय होगी। लेकिन सर, पीके शर्मा को विश्वास है कि हमारे पास 105 विधायक है और वो बहुमत सिद्ध करने वाले हैं। अभी तो पीके शर्मा जी बता सकते हैं कि उनके पास कौन सा ऐसा आला दिन का किराया है जिसके दम पर वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास 105 विधायक है। जबकि वास्तविकता ये है कि अगर निर्दलीय बसपा और सपा के जो विधायक है उनका समर्थन करते हैं तब भी कमलनाथ की सरकार में न्याय के खेल में फंसी हुई है। जबकि बहुमत के लिए इस समय जो स्थिति है विधानसभा की, उसमें 104 सीटों की जरूरत है। लेकिन अब ये किस तरह की जोड़ तोड़ की है और जो जैसे की वो दायरा कर रहे हैं कि हमारे कुछ फर्क भाजपा के विधायक हमारे संपर्क में हो, नारायण त्रिपाठी पहला भी बदल रहे थे, तो हो सकता है कि उन्हें उम्मीद नजर आ रही हो, उम्मीद हो कि हमारा जो उम्मीद हमने की है कि हमें अंतिम समय में फ्लोर टेस्ट में पास होंगी हम। तो ये दावे हैं और इन दावों में कितनी हकीकत है और कितने झूठे हैं, मुझे लगता है कि 12 बजे के बाद जब सीएम कमलनाथ मीडिया के सामने आएंगे और अपनी बात शुरू करेंगे तो कमलनाथ की बात शुरू करने के ही अवधि से पता चल जाएगा कि वो प्रोटेस्ट के लिए जा रहे हैं या फिर वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। क्योंकि तरुण भनोट ने जिस तरह से भावनात्मक अपील की है, एक पूरी तरह से अब ये बात करने लगे हैं कि जनता ही सर्वोच्च है। तो जो कमलनाथ है उनके शुरुआती भाषण से ही समझ में आ जाएगा कि वो प्रोटेस्ट के लिए जा रहे हैं या फिर अपना इस्तीफा देकर जो सियासी संकट और चल रहा है उसका अंत करते हैं और मध्य प्रदेश में एक नया रास्ता खुलता है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले भी पवन विधायक दल की बैठक सीएम कमलनाथ ले रहे हैं, क्या लगता है विधायक दल की बैठक में क्या वो पूरी कैबिनेट को तैयार कर सकते हैं कि सभी लोग सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दें?
हाँ बिल्कुल, एक दीपाली एक विकल्प है कि अगर जिस तरह की स्थिति है तो कमलनाथ के पास एक विकल्प है। कमलनाथ मुझे लगता है कि विधायक दल की बैठक में पहले अपने विधायकों के साथ चर्चा करेंगे और जो बची कुछ संभावनाएं हैं उन संभावनाओं को भी तलाशने की कोशिश करेंगे कि क्या किसी के पास ऐसा कोई संभावना है कि हम प्रोटेस्ट तक जा सकते हैं, और अगर उन्हें थोड़ी सी भी कोई संभावना नजर आएंगी तो प्रोटेस्ट में जाएंगे। अगर वो संभावनाएं उन्हें नहीं दिखेंगी तो हो सकता है कि वो पूरे अपने सारे विधायकों के साथ राजभवन की तरफ पहुंच जाए। जहां पर विधायक दल की बैठक कांग्रेस में चल रही तो बड़ी खबर यहां पर ये बता दें कि दिल्ली में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की गाड़ी सरकार चल रही है और दिल्ली में लंबे समय से जब से मध्य प्रदेश में सियासी ड्रामा शुरू हुआ है तो शिवराज सिंह चौहान पूरी तरह से भोपाल में सक्रिय है और विधायकों के साथ और जो प्रदेश नेतृत्व की बैठक हो रही है उसमें सक्रिय है। दिल्ली में ज्योतिरादित्य सिंधिया नरेंद्र सिंह तोमर के आवास पे जितनी भी बैठकें हुई कल भी आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया सबसे पहले नरेंद्र सिंह तोमर के घर पहुंचे थे, वहां धर्मेंद्र प्रधान, राकेश सिंह और अरुण जैन भी मौजूद थे। तो मुझे लगता है कि अभी जो मौजूदा बैठक हो रही है तो इस बैठक में ये रणनीति बन सकती है कि अगर सीएम कमलनाथ आज प्रोटेस्ट से पहले इस्तीफा दे देते हैं तो भाजपा का अगला कदम हो क्या होगा, तो वो राज्यपाल के पास जाके सरकार बनाने का अपना दावा पेश करेंगे कि हम तो हमारे पास संख्या बल है और हम सरकार बनाना चाहते हैं। या ये भी तय हो सकता है कि अगर भाजपा तय करती है कि हमारे पास संख्या बल है तो वो कौन सा चेहरा होगा, वो कौन सा नेता होगा जिसको हम अपना नेता प्रतिनिधि चुनेंगे, विधायक दल का नेता चुनेंगे। या अगर जिससे शरद पुल के इस्तीफे की बात आ रही है, नारायण की पार्टी बढ़ी है, हालांकि अब उन सिंधिया समर्थक विधायकों को देखें तो उनका अब वो खेल में शामिल नहीं है, और जो पूरी सियासत दिल्ली में मध्य प्रदेश में देखें तो भोपाल में शिवराज सिंह के और दिल्ली में ज्योतिरादित्य सिंधिया के इर्द गिर्द घूम रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली से किंग मेकर की भूमिका अदा कर रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान भोपाल से। तो इस बैठक में बेशक मध्य प्रदेश के कई पहलुओं पर चर्चा हो सकती है, बात की स्थिति पहले की स्थिति, अगर इस्तीफा होता है तो आगे क्या करना है, विधायकों को अंतिम समय तक एकजुट करने के लिए। देखिए आज सुबह से शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर जी, बड़े जो भाजपा के नेता है वो रिसोर्ट पहुंच चुके हैं, विधायकों से संवाद कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों को देखकर कोई नई रणनीति बन सकती है और भाजपा प्रोटेस्ट के बाद या इस्तीफा अगर होता है तो उससे पहले उसका अगला कदम क्या होगा, बेशक किसी के जो मुझे लग रहा है यही संभावना है उसमें चर्चा हो रही है। तो कांग्रेस की क्या रणनीति बनेगी ये भी जल्दी पता चल जाएगा, लेकिन बड़ी खबर यहाँ पर ये भी है की कांग्रेस के विधायक सुरेंद्र धाकर की बेटी ने आत्महत्या कर ली है। राजस्थान में उन्होंने आत्महत्या की, अभी फिलहाल आत्महत्या के कारण अज्ञात बताया जा रहा है। फैसले से हुई थी ज्योति मेहता की शादी, जिसके बाद राजस्थान में रह रही थी और वहाँ उन्होंने आत्महत्या कर ली है। विधायक की अगर आप बात करें जो कि पूर्व विधायक हो चुके थे, किसका मंजूर हो गया वो भी बेंगलुरु में ही थे और सुधीर समर्थक विधायक मार्ग बैठे थे। पूर्व विधायक सुरेंद्र ठाकुर की बेटी ने आत्मघाती कदम उठाया है और फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सोलह विधायकों के कल इस्तीफे मंजूर हुए, इसमें सुरेंद्र ठाकुर भी एक विधायक के रूप में इस्तीफा मंजूर कर दिया गया और बड़ी खबर यह है कि सुरेंद्र ठाकुर की बेटी ज्योति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। फिलहाल आत्महत्या के कारण जान बताया जा रही है, बताया जा रहा है कि शादी राजस्थान में थी जिसके बाद उन्होंने आत्महत्या का कदम उठाया है।
ऐतिहासिक घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन इस बीच किसी दुखद खबर आ गया पूर्व विधायक के घर से कि पूर्णराज सुरेश जाटल की बेटी ने आत्महत्या कर ली है। हालांकि आत्महत्या के कारण फिलहाल अज्ञात है, लेकिन एक बड़ा झटका यहाँ पर जरूर लगा होगा सुरेश धाटकों की बेटी के निधन के बाद। बिल्कुल, एक बड़ा शोक की खबर है। और सुरेश धाकर एक पिता से अगर उनकी राजनीति के पर करें अलग करें तो इस तरह से पिता के रूप में एक बेटी का आत्महत्या किए तो एक बड़ा झटका। मुझे नहीं लगता कि अभी जब तक इस चीज के तथ्य सामने नहीं आते तो इस घटना को किसी भी तरह से राजनीति से जोड़ना चाहिए। बिल्कुल सही कहा कमलन, इस घटना को किसी भी तरह से राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। इसलिए हम वापस उस पर चर्चा कर रहे थे, उसी पर मैं आना चाहूंगी। किस तरह से हम बात कर रहे थे नरेंद्र सिंह तोमर के घर जाने दर्शकों की, तो जो मध्य प्रदेश की सियासत है उसमें जो महाराज हुआ करते थे कांग्रेस के वो अब भाजपा में है। और अगर देखा जाए तो ये जो पूरा सियासी ड्रामा हो रहा है ये सिंधिया के कारण ही है, क्योंकि वो भाजपा में शामिल हो गए, उनके साथ जो उनके विधायक थे वो भी बाकी हो गए। इस पूरी चीज की अगर हम बात करें, पूरे घटनाक्रम की अगर हम बात करें, सिंधिया की भूमिका की अगर हम बात करें, तो इससे बेहतर प्रकार से आपसे अच्छा कोई बदलाव नहीं सकता। देखिए बिल्कुल दीपाली, इस समय मध्य प्रदेश में जो स्थिति है और कमलनाथ सरकार लगभग जो स्थिति है जो विधायक को भी उनके नेताओं के बयान आ रहे हैं, तो कुछ करना चाहिए। एक मिनट आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, क्योंकि हमारे सहयोगी हेमंत हमारे साथ राजस्थान से फोनलाइन पर जुड़ गया, उनसे थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी जो हत्या जो आत्महत्या उन्होंने की है उसके कारण क्या थे, हेमंत क्या कुछ जानकारी। आत्महत्या की है उनके पिता फिलहाल बेंगलुरु में है, क्या उनके पहुँचने की किसी तरह की कोई खबर है। हाँ जी मैम, उनके परिवार से मृतका जोशी के भाई और सदर यहाँ पहुंच चुके हैं तेलंगाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, और संबंध में उनके पिता भी बेंगलुरु से रवाना हो चुके हैं, वो कोटा पहुंच चुके हैं, कोटा से पहुंच भी रवाना हो गए हैं। तो क्या उनकी बेटी का अंतिम संस्कार राजस्थान में किया जाएगा या पौड़ी लाया जाएगा। अभी तक तो तेलंगाना हॉस्पिटल से मेडिकल बोर्ड उठाकर करवाया जा रहा है, उसके लिए हम बताया जिला अस्पताल के लिए रवाना हो चुके हैं, उसके बाद ही पता लग पाएगा क्या है क्या नहीं। क्या आत्महत्या के कारणों का अब तक खुलासा हो पाया है। नहीं, अभी तक आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। चलिए मैडम, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आपसे ताजा अपडेट हम बनाए लेते रहेंगे। तो बता दें कि जो पूर्व विधायक थे सुरेश धाकर वो भी बेंगलुरु से निकल चुके हैं और सीधे वो राजस्थान के लिए रवाना हो गए हैं। यहाँ पर उनकी बेटी का भी पोस्टमार्टम हो चुका है, जांच पूरी तरह से अपडेट हमारे को देते रहेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर हम एक बात करें तो ज्योतिराज सिंधिया की भूमिका की, किस तरह से उन्होंने की नेता का जो रोल है वो निभा रहा है, आपको जानना चाहेंगे। बिल्कुल दीपाली, जिस तरह की मध्य प्रदेश की सियासत आज खड़ी है, जिस स्थिति में है, उसके लिए सबसे कहीं ना कहीं दो चीजें, सबसे मुझे ऐसा लगता है कि दो चीजें उसके लिए जिम्मेदार है। खुद कांग्रेस, कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई, दूसरी ज्योतिरादित्य सिंधिया। अगर मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊँ तो आज जो स्थिति मध्य प्रदेश में है वो ठीक 1953 बाद दोहराई है, और उसके मुख्य किरदार जो तीसरे बिंदु है वो सिंधिया परिवार ही है। आज से 1967 में ठीक इसी तरह मुख्य भूमिका में राजमाता विजयाराजे सिंधिया थी, और आज 2020 में मध्य प्रदेश कांग्रेस में जो स्थिति है उसके भी केंद्रित सिंधिया परिवार के सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया है। 1967 में राजमाता ने डीपी मिश्रा की बगावत की थी, और जो राजमाता के समर्थक विधायक थे उन्होंने वो राजमाता के साथ गए थे, और मध्य प्रदेश में डीपी मिश्रा की सरकार गिर गई थी। और ठीक 53 साल बाद वही स्थिति मध्य प्रदेश में निर्मित हुई, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी, ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक विधायक थे वो इस्तीफा देते हैं, और मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार संकट में खड़ी है। मुझे अब ऐसा लगता है कि जो संकट का दरवाजा है ये पूरी तरह से बंद हो चुका है, दरवाजे के खुलने की अब कोई उम्मीद की किरण नहीं है कि कहीं से ये दरवाजा खुल रहा हो और कमलनाथ अपनी सरकार बना ले। तो पूरे मध्य प्रदेश का जो सियासी ड्रामा हुआ, भाजपा का जो रोल था वो बेसक था, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया में भाजपा में शामिल होने के बाद आज वो पार्टी के कद्दावर नेता और लगातार दिल्ली में मध्य प्रदेश की सियासत को लेकर बैठक कर रहे हैं, लेकिन जो केंद्र बिंदु है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया ही है, और वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के 22 समर्थक विधायक,
जो ज्योतिरादित्य सिंधिया की जिनकी निष्ठा रही निष्ठावान है, उन्होंने अपनी मंत्रालय छोड़ा, विधायकी छोड़ी, यहाँ तक कि वो भोपाल भी आना उचित नहीं समझा और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ अंतिम समय तक खड़े रहे और अब भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ खड़े हैं। फोटो हम आपको दिखा रहे हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की फोटो है, इसमें लिखा हुआ है उम्मीदें रंग लाई तरक्की मुस्कुराई। इस फोटो को देखकर क्या लगता है आपको? और सारी कुर्सी भी यहाँ पर अभी रखी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले की फोटो है। बिल्कुल देखिए दीपाली, जिस तरह से ये फोटो आई है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ की, अभी तक जो मध्य प्रदेश में बात हो रही थी वक्त है बदलाव का, नया मध्य प्रदेश कहेंगे, उम्मीदें रंग लाई तरक्की मुस्कुराई, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि भविष्य की बातें इसमें दिख रही हैं। और खाली सी कुर्सी जो रखी गई है उसका मतलब ये है कि जब मुख्यमंत्री कमलनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आएंगे तो उनके साथ कोई भी बड़ा नेता या कोई भी विधायक नहीं होगा, संभवतः मुख्यमंत्री कमलनाथ अकेले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जिस तरह से अभी मंच की जो तस्वीर सामने आई है उसके उनके साथ कांग्रेस का कोई और बड़ा नेता नहीं होगा, तो ये आप ये मानिए कि मुझे लग रहा है इस मंच को और तस्वीर को देखकर कि विधायक दल की बैठक में रणनीति बनाने के बाद और अंतिम जो विधायक दल की मीटिंग में फैसला लिया जाता है उस फैसले की बात ही कमलनाथ यहाँ आकर करीबन मुश्किल से 4 से 5 मिनट की जानकारी देंगे और वो अगला उसके बताएंगे कि मैं फिर इसकी तरफ जा रहा हूँ या फिर मैं इस्तीफे के लिए राजभवन की तरफ जा रहा हूँ। बिल्कुल दीपाली, जिस तरह से ये मंच बनाया गया है तो सामने आएंगे अपने 15 अगस्त कैबिनेट जो कमलनाथ विधायक दल की बैठक ले रहे हैं, उस विधायक दल की बैठक में ऐसी योजना बनती है कि हम रोड टेस्ट के लिए तैयार नहीं है और हम रोड टेस्ट में बहुमत साबित नहीं कर सकते हैं, तो कमलनाथ यहाँ आएंगे और 15 महीने के अपने कार्यकाल को बताएंगे कि हमने किस तरह से काम किया जनता के लिए, क्षेत्र की हमारी भविष्य की क्या योजनाएं थी और भाजपा पर और बाकी अलग हो सकता है कि मुझे नहीं लगता कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पर उस किसी तरह से सीधा हमला बोलेंगे, जो भाजपा पर ही हमला बोलेंगे और भाजपा पर कई तरह के आरोप लगाते हैं, वो अपने उस विजन को रखेंगे कि मैं उनके विजन के साथ मध्य प्रदेश को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा था और 15 महीने में मैंने उस विजन को लेकर क्या क्या काम किए हैं, ये भी हो सकता है। अगर वो विधायक दल की बैठक में प्रोटेस्ट को लेकर सहमति बनती है तो फिर मुझे लगता है कि सीएम कमलनाथ यही सारी बातें सदन में कर सकते हैं और सदन में जब प्रोटेस्ट पहले की जो बहुत होगी मुख्यमंत्री सदन को संबोधित करेंगे तो इस दौरान ये सारी बातें रखेंगे कि 15 महीने के कार्यकाल में हमने किस तरह से सरकार चलाई, मुझे लगता है कि माफिया के खिलाफ जो अभियान चला, युद्ध का जो अभियान चला और किसान कर्ज माफी में जो 3-4 मुद्दे होंगे वो कमलनाथ उन मुद्दों पर फोकस करके हर वर्ग को ये बताने की कोशिश करेंगे कि मैंने हर वर्ग के लिए अपनी 15 महीने की सरकार में काम किया और आने वाला जो 3.5 साल का वक्त था उसके लिए मेरे पास मध्य प्रदेश को सुंदर और जनता मध्य प्रदेश बनाने का मैंने 2018 में वादा किया था उसको लेकर मेरे पास ये विजन था। 15 महीने से काम तो वो बताएंगे लेकिन पिछले 2 दिनों में उन्होंने जो काम किए, चाहे हम 3 जिले बनाने की बात करें या फिर ताबड़तोड़ इधर से उधर नियुक्तियाँ की गए, ट्रांसफर किए गए, उसे किस तरह से देखेंगे? नहीं, ताबड़तोड़ नियुक्तियाँ और जिगर बनाना देखिए बिल्कुल एक तरह से ये था कि जल्दबाजी में कमलनाथ को मुझे ऐसा लगता है कि एहसास हो चुका था, तो उन्हें लगा था कि अगर एक ये दाव खेला जाए कि जो पार्टी विधायक है नाराज है, जो जैसे कि नारायण त्रिपाठी उन्होंने महिला को जिला घोषित कर दिया, हालांकि अभी जिस तरह से जिला घोषित किया गया है इसके भी कई तरह की आपत्ति दिक्कतें हैं, जिला अगर कोई प्रदेश में जिला का गठन होता है, नया जिला बनता है तो जिला पुनर्गठन आयोग
चयन किया जाता है, आयोग उस पर अपनी रिपोर्ट देता है, उसके बाद दावे या आपत्ति सामने आते हैं उसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। अभी तक ये नहीं कह रहे कि मंडल जिला बनेगा, नागदा जिला बनेगा, चिचौड़ा जिला बनेगा, इसमें कितनी तहसीलें होंगी, क्या ये सिर्फ एक तहसील को लेकर बना दिया जाएगा। तो ये पूरी तरह से फैसला है जल्दबाजी में लिया गया है, कोई ये नहीं है। और ऐसी स्थिति में भी फैसला लिया गया है कि जब देश में जनगणना के लिए भी अधिसूचना जारी हो गया है, इन परिस्थितियों में जिस तरह से नया जिला बनाया, तो ये कमलनाथ सरकार के ताबड़तोड़ फैसले ये उसी बात की तरफ से संकेत दे रहे थे, जो हम जैसा कि हम लोग पहले भी कह रहे थे कि जो इस वक्त नंबर गेम की बात करें तो नंबर गेम में कहीं भाजपा का जो पल्ला है वो भारी है और कांग्रेस का पल्ला कम है, तो ये नंबर गेम की भी लड़ाई थी जिस वजह से कमलनाथ लगातार बड़े बड़े फैसले ले रहे थे। देखिये बिल्कुल, अगर सड़क पुल का इस्तीफा मंजूर हुई है, सड़क पुल के इस्तीफे को लेकर जो चीजें हैं टेक्निकली कई तरह की चीजें बताई जा रही है, स्थिति स्पष्ट नहीं है। कहा जा रहा था की जो इस्तीफा मंजूर किया गया है वो उन्होंने पहले भेजा था और बाद में उन्होंने उसको लेकर एक लेटर भी दिया था कि मेरा इस्तीफा मंजूर ना किया जाए। दूसरी तरफ नारायण त्रिपाठी ने जिस तरह से कमलनाथ सरकार की इस सियासी संकट के लिए तारीफ की है और सरकार को लेकर जिला बनाने पर मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया था, तो कई ऐसी चीजें हैं जिसके कारण से ये लगता है कि अब नारायण त्रिपाठी पाला बदलने की स्थिति में नहीं होंगे, क्योंकि पार्टी का बिहित जारी है और बिहित जारी होने के बाद जो सरकार आगे गठबंधन कानून की बात आती है और बहुत सारी चीजें अगर कमल देखेंगे कि कमलनाथ सरकार मुश्किल में है, ऐसे में हम अगर अपनी पार्टी के खिलाफ बगावत करते हैं तो भविष्य में हमारे लिए समस्याएं हो सकती है। तो जो अभी स्थिति है वो बहुत हद तक या तो ये भी हो सकता है कि कमलनाथ अपने भविष्य के लिए अगर कोई चीजें चल रही हो कमलनाथ के लिए तो प्रोटेस्ट में जाने से पहले इन चीजों को भी जानकारी कि कौन कौन से विधायक थे जो बगावत कर सकते थे, तो ये सारी चीजें मुझे लगता है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चीजें कंफर्म हो जाएंगी कि क्या होता है। पर अब जो स्थिति है नंबर गेम में जिस तरह से कांग्रेस बहुत पीछे है और भाजपा आगे है, तो मुझे नहीं लगता कि नारायण त्रिपाठी इस स्थिति में भी अपनी पार्टी के खिलाफ जाएंगे, और अगर इस स्थिति में भी अपनी पार्टी के खिलाफ जाते हैं तो ये तय मानिए कि उनके खिलाफ पार्टी कड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। यदि मैं सवाल आपसे पूछना चाहिए क्योंकि इसकी उम्मीद थोड़ी सी कम नजर आ रही है, लेकिन प्रेडिक्शन आपको लगाया जा रहा है अगर नारायण त्रिपाठी क्रॉस वोटिंग करते हैं या भाजपा का कोई और विधायक क्रॉस वोटिंग करता है तो क्या उनके खिलाफ दल बदल कानून लगाया जाएगा तो संजय यादव के खिलाफ हो सकती है? बिल्कुल, जिस तरह से पार्टी का बीच जारी है तो पार्टी का बीच जारी होने के बाद अगर ये पार्टी के खिलाफ जाते हैं तो सीधी सी बात है उनके खिलाफ दल बदल कानून लगेगा और विधानसभा की सदस्यता इनकी जाने की ज्यादा संभावना है, क्योंकि विधानसभा सदस्यता जाने का सीधा है कि अगर आप अपनी पार्टी के विधि पर जो गाइडलाइन है उसके खिलाफ जाकर वोटिंग करते हैं या किसी भी प्रस्ताव का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं तो आपकी विधानसभा सदस्यता सबसे पहले खतरे में पड़ेगी। और मध्य प्रदेश में जो अभी 25 सीटें रिक्त हुई है, ऐसी स्थिति में कोई भी पार्टी हो चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, कोई नहीं चाहती हो कि जो उपचुनाव की संख्या है वो ज्यादा बढ़े, तो नारायण त्रिपाठी ऐसी स्थिति में नहीं चाहेंगे कि वो उपचुनाव में जाए। इसलिए नारायण त्रिपाठी हो चाहे भाजपा का कोई और भी नेता हो या विधायक हो, वो पाला बदलने की स्थिति में नहीं होगा जिस तरह से पार्टी ने अपनी गाइडलाइन और विधेयक जारी कर रखा है। बिल्कुल, दोनों की पार्टियों ने अपना अपना जारी करके रखा है, उसमें क्रॉस वोटिंग की संभावना भी थोड़ी कम नजर आ रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से कहा था कि आज यानी 20 मार्च को शाम 5 बजे से पहले प्रोटेस्ट होना है, तो ये भी पता चल जाएगा कि कमलनाथ सरकार प्रोटेस्ट के लिए जाती है या उससे पहले भी सीएम कमलनाथ अपना इस्तीफा दे देते हैं। लेकिन पवन 20 मार्च जिनकी अगर हम बात करें तो कहते हैं वो सियासत का जो शक होता है वो एक बार फिर घूमता है, देखिए दीपाली आपने बहुत अच्छी बात की है। ये जो 20 मार्च का इतिहास कांग्रेस के लिए तो बेहद थोड़ा सा अच्छा नहीं रहा है, भाजपा के लिए बिल्कुल अच्छा रहा है। ये 20 मार्च 1977 में को इंदिरा गांधी जिसे
कमलनाथ का अपनी माँ कहते थे कमलनाथ इंदिरा गांधी को, और कमलनाथ को मध्य प्रदेश में इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा कहा जाता था। तो जब इंदिरा गांधी 20 मार्च 1977 को ही अपना लोकसभा का चुनाव हारी थी, और ठीक उसी तरह 20 मार्च 2020 है कमलनाथ के सामने जो स्थिति है वो स्थिति कमलनाथ की अनुकूल नहीं है, उनकी परिस्थितियां जो है एकदम उनके खिलाफ जा रही है सारी चीजें। तो ये 20 मार्च घूम करके जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया राजमाता का चक्र घूम कर ज्योतिरादित्य सिंधिया आ गया है, उसी तरह से कमलनाथ के साथ भी चीजें इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे के पास पहुंच गई है। तो यदि हालांकि ये देखना होगा कि फ्लोर टेस्ट में अगर जाते हैं तो ये पास होते हैं या फेल होते हैं, और अगर फ्लोर टेस्ट में नहीं जाते हैं और पहले इस्तीफा दे जाते हैं तो ये माना जाएगा कि 20 मार्च का दिन जो है वो माँ बेटे के लिए अच्छा नहीं था। बिल्कुल, अगर इस तरह से किसी भी तरह की स्थिति बनती है तो ये जरूर कहा जाएगा कि 20 मार्च का जो दिन था वो चाहे इंदिरा गांधी के लिए ठीक था, चाहे कमलनाथ के लिए ठीक होगा। यहाँ हम सीएम कमलनाथ की बात कर रहे हैं, हम पिछले दिनों से उनका अगर बिहेवियर देखे, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका गेस्चर देखे तो काफी कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था। कल ही उन्होंने जब मीडिया से सवाल जवाब किए थे उन्होंने अपना जवाब दिया था कि अफ्तजाज की बिजली से मुझे क्लीन बोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन कल जब सचिन सिंह वर्मा के यहाँ से डिनर करने के बाद वो आए तो उनके हावभाव ही कुछ बदले हुए नजर आए, और यही कांग्रेस के सभी विधायकों के चेहरे पर भी नजर आ रहा है। देखिए, जिस तरह से 16 तारीख को मध्य प्रदेश में बजट सत्र की शुरुआत होती है, राज्यपाल का अभिभाषण होता है, उसके बाद बजट सत्र को 26 तारीख तक बढ़ा दिया गया था, तो कांग्रेस वक्त की चाहत कर रही थी कि उसी के पूरे मामले को सेटल करने के लिए थोड़ा सा वक्त मिले। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, सुप्रीम कोर्ट ने भी ज्यादा वक्त नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कल करीबन 6:15 के बीच में अपना फैसला सुनाया, और उन्होंने ये कहा कि आपको 24 घंटे के अंदर यानी कि 5 बजे के पहले पहले अपना फ्लोर टेस्ट साबित करना है। उस दौरान बाली विधायक दिग्विजय सिंह लगातार बंगलौर में बाली विधायकों से संपर्क करते रहे, वो संपर्क नहीं हो पाया। भाजपा के विधायक भी एक ऐसे घेरे में है, सुरक्षा घेरे में, कि किसी भी तरह से अगर भाई ने कह रहा कि उन्होंने किया होगा, अगर संपर्क करने की कोशिश की गई हो तो उन विधायकों से भी संपर्क नहीं हो पाएगा। नंबर गेम में कांग्रेस पिछड़ चुकी थी, बसपा का की जो राम वाली है उनका भी स्टैंड क्लियर नहीं था, निर्दलीय विधायकों को लेकर भी वो पूरी तरह से अस्वस्थ नहीं थे। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने के बाद कमलनाथ सरकार को और मध्य प्रदेश की जो कांग्रेस की है वो तो बड़ा झटका लगा था। उसे समझने का वक्त नहीं मिला, जो समझने का वक्त विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही टाल कर दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसे पर खंडन कर दिया, और उनके जो सपने थे उन्हें चकनाचूर कर दिया, और उन्होंने कहा नहीं, आपका जो विधायक है आपकी बाकी जो समस्याएं हैं वो दूसरी तरफ, पहले आप ये साबित करिए कि मध्य प्रदेश में आपके पास बहुमत है या नहीं। उसके बाद से और आप लेटर से देखिए, मुझे तो जिस दिन कमलनाथ ने अपना भावनात्मक लेटर लिखा था, जिस तरह से उन्होंने नियुक्तियाँ और ये सारी चीजें ट्रांसफर जैसी चीजें शुरू की थी, तो यही समझ में आ रहा था कि कहीं ना कहीं एक माइंड सेट ये कांग्रेस के अंदर भी बन रहा है कि अब हम नंबर गेम में पिछड़ रहे हैं, और अगर बागी विधायक नहीं मानते हैं तो नंबर गेम में जो जादुई आंकड़ा है सदन में बहुमत हासिल करने का उसे नहीं पकड़ पाएंगे। तो ये सारे फैसले भी लेने लगे थे, ये फैसले उसी जादुई नंबर से दूर जाने की एक आहट थी। यहाँ आपने लेटर की बात की, हम अगर श्री कमलनाथ के लेटर के आपको देखें तो भावनात्मक रूप से जरूर उन्होंने लेटर लिखे, लेकिन यहाँ पर राज्यपाल लालजी टंडन के लेटर की अगर हम बात करें तो पहला लेटर में भी उन्होंने लिखा था कि सरकार अल्पमत में है। क्या उन्होंने जो अपने फर्स्ट लेटर में लिखा था वही सही साबित होता नजर आ रहा है? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से कल जजमेंट दिया अपना, तो ज्यादातर उन ऐसी बातों का जिक्र था जो पहले राज्यपाल अपनी बातों पर चल चुके थे। राज्यपाल ने कहा था कि हमें पता चला है कि आप अल्पमत में नहीं, अगर आप अल्पमत में हैं, आप बहुमत में हैं या अल्पमत में हैं, इसका आप सदन में आकर फ्लोर टेस्ट करिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी वही बात कही, यह कही है कि आप बहुमत में है या नहीं है उसके लिए आप शाम 5 बजे के पहले फ्लोर टेस्ट करके अपना बहुमत साबित करिए। तो राज्यपाल ने भी अपने लेटर में लिखकर कहा था, हालांकि इसके लिए दोनों पार्टियां थी वो, और जो विधानसभा के सचिव थे उन्होंने भी बात कही थी कि मशीनें खराब है, हाथ उठाकर वोटिंग की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी वही बात कही जो राज्यपाल ने कही थी। तो अगर कमलनाथ को जिस दिन से 22 विधायकों ने इस्तीफा दिया था
और उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के साथ ही 10 तारीख से ही उन्हें होली के दिन ही उनके जो धर्म काम में भंग पड़ गया था। और ये उत्तर माना जा रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफे के साथ ही कांग्रेस बैक फुट पर चली गई है। हालांकि ये मामला आज 10 दिन उनके इस्तीफे के 10 दिन बाद खिस्ता हुआ यहाँ तक आया। कई तरह की कोशिशें की गई लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रही। और अगर ये स्थिति है कि थोड़ी देर बाद मुझे लगता है कि अगर जब वो मीडिया के सामने आएंगे तो अपनी स्थिति स्पष्ट कर देंगे कि हम आगे क्या करेंगे। हम 2 बजे प्रोटेस्ट करेंगे या हम प्रोटेस्ट से पहले जा रहे हैं इस्तीफा देंगे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल को जिस पार्टी को लगता है कि बहुमत है वो नंबर है वो आए और अपना दावा साबित करें सरकार बनाए। तो अब चीजें सही घूम करके ये तय करनी है कि अब अकेले कमलनाथ को तय करती है वो प्रोटेस्ट जाते हैं या फिर राज्यसभा की लड़ाई थी तो दिग्विजय सिंह को तो राज्यसभा की सीट मिलनी चाहिए क्योंकि 52 अगर विधायक चाहिए तो वो तो कांग्रेस के पास है नहीं। जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है पूरी कांग्रेस पार्टी में तो वो सिर्फ कमलनाथ को ही हुआ है। कमलनाथ जो मुख्यमंत्री है इस वजह से हम कह सकते हैं कि बड़ा नुकसान हुआ लेकिन नुकसान मध्य प्रदेश में पूरी कांग्रेस को हुआ। ये मानिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक विधायक या सांसद या पूर्व केंद्रीय मंत्री थे उन पर नहीं थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में कांग्रेस के रीढ़ थे और भाजपा ने उस रीढ़ को तोड़ दिया। आज कांग्रेस की जो स्थिति कांग्रेस के पास आज कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को अगर आप किनारे करें और फिर देखें तो मध्य प्रदेश में इस वक्त कांग्रेस के पास ऐसा कोई भी चेहरा नहीं है जो पूरे प्रदेश में प्रदेश व्यापी हो। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वो चेहरा थे जो प्रदेश व्यापी थे। आपके मंत्री हैं युवा लेकिन उन मंत्री अभी अपने अपने जिले और अपने अपने संभागों तक सीमित हैं। मध्य प्रदेश में कई बहुत से ऐसे मंत्री हैं जिन्हें अभी पूरे प्रदेश की जनता नहीं जान पाई थी। तो जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो कांग्रेस के हुआ। लेकिन हाँ ये तय है कि कुर्सी कमलनाथ की गई है। मुख्यमंत्री जो कमलनाथ 40-45 कभी तक राजनीति में कहते हैं उन्हें चार कभी प्रत्यक्ष रूप से चुनाव के मैदान पे आए उसने हार नहीं मिली। 1996 को चुनाव को अगर छोड़ दिया जाए उसके बाद उनको चुनाव में कभी नहीं करने की केंद्र में लंबे समय तक मंत्री रहे। चाणक्य की भूमिका में उन्होंने की मध्य प्रदेश की सियासत में जैसे ही आए उन्हें मध्य प्रदेश की सियासत में सत्ता तो मिली लेकिन उन्हें ये भी उम्मीद नहीं थी कि ये सत्ता इतना जल्दी से चल जाएगी और वो प्रदेश की राजनीति को समझ नहीं पाए। मुझे ऐसा लगता है केंद्र की राजनीति में सक्रिय रहे प्रदेश की राजनीति लंबे समय तक केंद्र की थी और वहाँ मंत्रालय चलाया सब कुछ किया लेकिन जो गुटबाजी की प्रदेश की होती है कमलनाथ उस प्रदेश की गुटबाजी को समझ नहीं पाए और प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री से दोनों थे उस नाते उस संतुलन भी नहीं बिठा पाए कि सत्ता और संगठन के बीच किस तरह से संतुलन बैठाया जाए। दिग्विजय सिंह को भी कैसे खुश रखा जाए ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी कैसा खुश रखा जाए जो बाकी विधायक है निर्दलीय विधायक है उनको भी कैसा कैसे खुश रखा जाए। कहीं ना कहीं कमलनाथ की एक बड़ी चूक हुई कि वो सत्ता और संगठन के बीच आप समन्वय नहीं बना पाए और जिसका जो नतीजा है वो आज हम सबके सामने है। थोड़ी देर बाद उसका परिणाम क्या होगा वो भी सामने होगा। लेकिन बड़ा सवाल कदम ये भी है कि सिंधिया के कांग्रेस से जाने के बाद कांग्रेस का आधार क्या होगा क्योंकि कहा जाता था कि यहाँ पर जो तीन स्तंभ है वो है दिग्विजय सिंह कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया एक स्तंभ पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी से चला गया। अब इस पार्टी का आगे भविष्य क्या होगा क्योंकि आगे 25 सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं। देखिए जो अभी उपचुनाव होने हैं भविष्य क्या होगा इसको लेकर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि नेताओं का कब कौन सा नेता लोकप्रिय हो जाए तब किसकी लोकप्रियता बढ़ी और ये हिंदुस्तान है यहाँ लोगों ने इंदिरा गांधी को आदरणीय बना दिया और लोकसभा चुनाव भी हरा दिया तो ये नहीं है। जिस ज्योतिरादित्य सिंधिया की हम बात कर रहे हैं वो ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी पारंपरिक सीट गुना सीट को ही हार गए हैं तो ये नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपने जो कही है वो ये जरूर है कि कांग्रेस के लिए जो ये 25 सीटों पर उपचुनाव होंगे उपचुनावों में क्या होगा अब ये बिल्कुल जिन जो सीटें हैं उसमें से करीब 10 सीटें चंबल की है जहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया का सीधा प्रभाव है ग्वालियर चंबल सीट में दिल्ली में है कुछ सीटें मालवा की है। तो इन सारी चीजों को लेकर जितने क्षेत्रों में ज्योतिरादित्य सिंधिया का जनाधार है और खासकर जो अहम सीटें हैं
वो ग्वालियर चंबल से आती है जहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया हर सीट को प्रभावित करती है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा चेहरा भाजपा में जाने के बाद वहाँ भाजपा के पास नरेंद्र सिंह तोमर और नरोत्तम मिश्रा, अगर ग्वालियर चंबल की बात करें कई संगठन खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, तो भाजपा के पास कई बड़े चेहरे क्षेत्र में भी है और प्रदेश स्तर पर भी है, लेकिन कांग्रेस के पास जो चेहरे हैं ग्वालियर चंबल में आज ज्योतिरादित्य सिंधिया के हटने के बाद कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है जिसे लोग ये कहें कि ये कांग्रेस का भविष्य हो सकता है। यह इस चेहरे के दम पर जो 25 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उपचुनाव में भाजपा को सत्ता दे सकती है। उपचुनाव के परिणाम क्या होंगे, कौन जीतता है कौन नहीं जीतता है, ये जनता को तय करना है, जनता को वोट करना है, जनता की परिस्थिति को देखकर किसके पक्ष में वोट करती है। लेकिन चेहरे की बात यह है तो ग्वालियर चंबल में पूरे मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने से कांग्रेस चेहरा भी हो गई है। लेकिन अगर हम यहाँ पर सहभागी विधायकों की बात करें जिनका इस्तीफा भी मंजूर हो गया है, तो जिस तरह से अगर उपचुनाव होते हैं तो भाजपा के लिए भी तो यहाँ पर उन्हें अपना प्रत्याशी उतारने में मुश्किल हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, लेकिन अभी इस पर ये नहीं कहा जा सकता कि हालांकि आगे क्या होगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं, इन्होंने एक बात कही थी कि अभी हम भाजपा में नहीं जा रहे हैं, हम खुद एक पार्टी हैं, हम आगे तय क्या करेंगे, ये भाजपा में आते हैं उसके बाद की बात होगी, भाजपा में आते हैं नहीं आते हैं क्या करते हैं। हालांकि जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ खड़े हैं तो देर सवेर मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा में शामिल होंगी, लेकिन अभी मुझे उन अटकलों पर मुझे नहीं लगता कि बात करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से चुनाव को लेकर अभी दूर है, अभी तो सामने प्रोटेस्ट है और मुझे लगता है कि प्रोटेस्ट की एक गंभीर समस्या है, कमलनाथ प्रोटेस्ट तक पहुंचते हैं उससे पहले ही हार मान लेते हैं। चुनाव तो भविष्य की बात हो रही है, क्योंकि इसके लिए देखा जाए तो 6 महीने का समय जरूर मिलेगा, लेकिन आज क्या होगा पूरे देश की निगाह पर टिकी हुई है। इस तरह जो आज का दिन वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आज निर्भया के चार दोषियों की फांसी दी गई है, तो दूसरी तरह तो मध्य प्रदेश की सियासत में जो भूचाल आया हुआ था उसका आज क्लाइमेक्स होने वाला है। पर अगर हम ये जो पूरा सियासी ड्रामा है जो पिछले 16 महीने से चल रहा है, कांग्रेस के अंतर कलह तो सालों से चल रहा है, लेकिन सरकार बनने के बाद पिछले 15 महीने से तो ज्यादा ही सामने आई है, इस पूरे सियासी ड्रामे गांधी परेश नजर आ। लेकिन जो लड़ाई है वो तभी सामने आती है जब आप सत्ता में होते हैं, पावर में होते हैं। अगर आप पावर विहीन है और सत्ता विहीन है तो आप आपस में कितना भी लड़ते रहिए आपको कोई देखने वाला नहीं होता, तब वो नहीं देता है। दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी बात आप ये समझिए कि इस वक्त मुझे लगता है जो दोनों दल है भाजपा या कांग्रेस, दोनों में उत्साह डर उत्साह की भावना है। भाजपा में जो है उत्साह के साथ साथ डर है और कांग्रेस के पास डर ज्यादा है, उत्साह की थोड़ी बहुत कमी है। तो इस वक्त की जो स्थिति है जिस तरह से भाजपा के विधायकों को अभी भी घेराबंदी कर रही है, शिवराज सिंह चौहान सुरक्षा की मांग कर रहे हैं और कमलनाथ विधायक दल की बैठक कर रहे हैं, तो उत्साह और डर के बीच का सारा खेल है। किसका उत्साह भारी पड़ता है और किसका डर किसको कमजोर करता है ये थोड़ी देर में तय होगा। लेकिन अगर आप पूरे 15 महीने के कार्यकाल की बात जो आपने उठाई कि कैसा रहा क्या रहा, तो देखिए जिस तरह से पहले दिन से मध्य प्रदेश में कमलनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से बुधबारी की खबरें सामने आने लगी थी और ये अंतिम में ऐसी स्थिति में पहुंच गई कि विधायक बागी हो गए, पार्टी छोड़ दिए, स्तंभ टूट गया आपका, आप पूरे समाज नहीं पाए और लगातार पहले दिन से कुछ विधायक आपके मंत्रालय को लेकर नाराज हुए, कुछ क्षेत्र के विकास को लेकर नाराज हुए, कोई समर्थन को लेकर नाराज हुआ। तो आप इस पूरी स्थिति को आपने सरकार कैसे चलाई, आपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या किया, ये जनता आप तय करेगी। और आप ये नहीं कह सकते कि आपने अच्छा काम नहीं किया या बुरा काम नहीं किया, ये जनता तय करेगी कि 15 महीने की कार्यकाल आपका जो 15 महीने का कार्यकाल है वो 15 साल पर भारी था या नहीं था, ये जनता को तय करना है। लेकिन जो आपकी चूक थी रणनीतिक चूक, वो रणनीतिक चूक यही थी कि आप अपने ही पार्टी में अंदरूनी कलह को खत्म नहीं कर पाए, आप समन्वय नहीं बना पाए, आप विधायकों से संवाद नहीं कर पाए, आप किस नेता को कहाँ कैसी तजुर्बो देना है ये निर्धारित नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आज आप इसकी अंतर कलह की अगर हम बात करते हैं पहले से भी कांग्रेस में हारी थी, लेकिन आज का दिन बहुत खास है, 15 साल बनाए 15 महीने बागी माता उत्साह और डर दोनों ही पार्टियों में, जैसे कि आपने बताया कि कभी उत्साह ज्यादा है तो कभी डर ज्यादा है,
क्या किसके जीत होती है, क्या होता है राजनीतिक भविष्य किस पार्टी का, इससे जुड़े हम ताजा अपडेट आपको देंगे। चुनाव का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी जानकारी आपने सभी दर्शकों के साथ ताजा की। तो अब तक कुछ ही देर में सीएम कमलनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे हम आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहेंगे पत्रिका टीवी। नमस्कार।